तो दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये MI A4 मोबाइल है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डिस्प्ले अगर हम चालू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले तो शो करती है बट इसके टच में प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ पर इसकी टच काम नहीं करी। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम इसकी सिम ट्रे को निकाल लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हम इसकी सिम ट्रे को निकाल लेंगे, सिम ट्रे निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम मोबाइल को खोल लेंगे। यहाँ पर दोस्तों मोबाइल को खोल लेंगे तो बैक कवर को हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर रिमूव कर लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हमने इसके बैक कवर को रिमूव कर लिया है, यहाँ पर फिंगर पत्ता भी हटा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फिंगर पत्ता को भी हटा लिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, विदाउट हम फोल्डर चेंज किए हम इस टच का सोल्यूशन करेंगे। और किस प्रकार दोस्तों हम इसका सोल्यूशन करेंगे, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ के इस स्टील को रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हम इसकी स्टील को रिमूव कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से हमने इसकी स्टील को रिमूव कर लिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको जूम करके दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसके टच का जो पत्ता होता है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये टच का जो पत्ता होता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कचरा है और यहाँ पर वाटर चला गया दोस्तों, वाटर की वजह से ही ये कुछ इसके प्रिंट मिस हो गए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको निकाल लेंगे बाहर। तो दोस्तों अब हमने यहाँ से इस टच के पत्ते को निकाल लिया है। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, हम थिनर ले लेंगे दोस्तों, ब्रश ले लेंगे। अब थिनर थोड़ा सा ब्रश में लगाकर यहाँ पर ठीक तरीके से साफ करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम ठीक तरीके से साफ कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ठीक तरीके से इसमें साफ कर लिया है, ब्रश लगा लिया है और थोड़ा सा ठीक तरीके से रगड़ लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम इस टच को ठीक तरीके से लगा लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम टच को ठीक तरीके से ही लगा लेंगे। यहाँ पर हम इसको सही तरीके से पत्ते को फंसा लेंगे, फिर लगाएंगे। यहाँ पर ठीक तरीके से पत्ते को फंसा लेंगे और पत्ते को फंसाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक बार चेक करेंगे हम। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक बार ठीक तरीके से चेक कर लेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम एक बार इसको रीसेट करेंगे। तो रीसेट करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी बैटरी कनेक्टर को निकाल लेंगे और फिर से हम ठीक तरीके से इसको लगा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम बैटरी कनेक्टर को ठीक तरीके से लगा देंगे और यहाँ पर लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। और यहाँ पर ऑन कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर मोबाइल ऑन हो रहा है। तो दोस्तों मोबाइल हमारा यहाँ पर ऑन हो रहा है। अब दोस्तों मोबाइल हमारे यहाँ पर ऑन हो चुका है। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा टच भी ये वर्क करने लगी है दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ पर ये सभी की काम करने लगे हैं दोस्तों, जो टच हमारी काम नहीं कर रही थी ये देखिएगा। तो अब सभी टच हमारे टच ठीक तरीके से दोस्तों यहाँ पर काम करने लगी है। तो दोस्तों यहाँ पर टच हमारे ठीक तरीके से वर्क करने लगी है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और जो इसमें टच की दिक्कत थी वो दोस्तों पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है। अगर दोस्तों आपके पास भी कुछ इसी प्रकार के फॉल्ट आते हैं तो दोस्तों इसी प्रकार आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, आप देखिएगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम मोबाइल से जुड़े हुए नए नए फॉल्ट पर हर दिन वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें।